के बोलता है देखो थाने के अंदर डालूंगा, तू मिलिटेंट है, तू किडनैपर है, तू चोर है, मेरे को मां बहन पे गाली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, पिछली वीडियो में जहां पे मैंने अमीर माजिद और अमीर सोहेल की बात की थी, वहां पे कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया यार, इतने पॉजिटिव कमेंट दिए, बहुत सारा प्यार दिया। लेकिन कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई तू अमीर सोहेल और अमीर माजिद की वजह से व्यूज ले रहा है, वो तो ऑलरेडी फेमस है। तो भाई अगर अमीर सोहेल झूठ बोल के व्यूज ले सकता है, तो अब तो भाई सच और हक की बात करके व्यूज नहीं ले सकता क्या? ले सकता है ना। तो आज बात करने वाले हम जम्मू के एक यूट्यूबर हैं, आप सब शायद जानते ही होंगे, जो नहीं जानते वो मैंने मेंशन किया हुआ उनका नाम अपने टाइटल में, वहाँ से देख लें कि उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उस पर बात करने वाले। सबसे पहले तो आप जाएं ये वाली जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ ये वाली वीडियो कंप्लीट देखें, अगर कंप्लीट ना देखेंगे तो आपको मेरी बात की समझ आनी नहीं है। और जिसने ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसके बगैर अगर फुल वीडियो देखनी है, जो रक्षित शर्मा ने डाली हुई है, वो जाके उनके नाम पे टाइटल से उनके नाम पे क्लिक करके जाके वो पूरी वाली वीडियो देख सकते हैं। देखो बोलता है देखो थाने के अंदर डालूंगा, तू मिलिटेंट है, तू किडनैपर है, तू चोर है, मेरे को मां बहन पे गाली दी, चंड मारी इन्होंने। गाइस जो भी बंदा देख रहा है प्लीज कोई चक्कर बंदा देख रहा प्लीज कोई नॉर्मल वर्दी है, मैं एक्चुअली में जा रहा हूँ, मेरे से कोई डरना नहीं था, मेरे से कोई डरना नहीं था, तो मैंने नॉर्मल पुलिस वाले भैया था, तो ऑफ कैमरा पूछा मैं, सर मैं पुलिस वाला लग रहा हूँ आपको? आपको नहीं लग रहा, नहीं लग रहा भाई, नॉर्मल बात खत्म हुई। मेरे को बोलता तू कौन है, फलान कहाँ रहता है, फलान टीना से, मैंने बोला सर मैं शायद ड्रिंक की हुई थी, कौन है तू फलान टीना से बोल रहा, मैंने बोला सर मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, अंदर बात थाने के अंदर दो लफर रखे मेरे को मुंह के ऊपर, ये तो गलत है, ये तो गलत है, तो मुंह के ऊपर दो लफर रख रहा है, उसके बाद मेरे को बोला तू चोर है, तू मिलिटेंट है, इसको थाने के अंदर ठुकवाओ, ये क्या बात है यार, इनकी लैंग्वेज ही गंदी है यार, इनकी लैंग्वेज ही गंदी है। गालियां दी मेरे को मम्मी बहन मां बहन के ऊपर, गाली की उस बंदे ने, मम्मी लाड़ी की कसम, वो तो बोलता तेरी मां की वो, तेरी मां की वो, ये क्या बात हुई यार, मतलब नॉर्मल बंदा वीडियो बना रहा है यार, सोशल मैसेज अपेयर कर रहे हैं यार, मैं तो आपके साथ हूं खड़ा, ये बोल रहा है मेरे को, बोलता वीडियो अगर अपलोड हुई तो मरवा दूंगा, यहाँ पे ये बताया हुआ कि ये जो पुलिस ऑफिसर है तो इसने क्या किया बदतमीजी की, जब इसने ये जाके पूछा रक्षित शर्मा ने ये पूछा कि भाई मैं पुलिस वाला लग रहा हूँ क्या, वो बोल रहे हैं कि मैंने ऑफ कैमरे में उनसे ये पूछा जाके, वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस दौरान उनके साथ ऐसा हुआ और पुलिस वाले ने क्या किया, उन्हें थप्पड़ मार के मां बहन की गालियां दी, अब्यूज लैंग्वेज यूज की उनके आगे। तो भाई जहां तक अगर रक्षित शर्मा की गलती देखी जाए तो सिर्फ ये है कि उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी एक वे में देखा जाए, अदरवाइज अगर खाकी यूनिफॉर्म देखेंगे तो बस ड्राइवर की भी वही है, एनसीसी के कैडेट्स जो है उनकी भी वही है, तो भाई ये बात मानने काबिल नहीं है कि पुलिस वाले ने ये चीज़ की, उसने अपने एक एटीट्यूड लेवल में आके ये सब किया है, जो कि आप सबको पता है कि आए दिन सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो यूट्यूब हो ट्विटर हो कहीं पे भी ये वीडियोस भरी पड़ी होती हैं जेएंडके के लड़कों की, भाई देखो ये मेरे साथ सही हुआ या गलत हुआ, आप बताओ कि यहाँ पे गलती पुलिस की थी या हमारी थी। तो भाई मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आपको कोई इंसाफ अभी नहीं मिलने वाला, सोशल मीडिया पे बस लोग आपको कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे भाई हम आपके साथ आगे बढ़ो, तो भाई जब तक आप उनके खिलाफ लीगली एक्शन नहीं लोगे तब तक ये सब होगा। आए दिन सिदरा पे जाएंगे लड़के, तो जबकि रूल नहीं है की निकालने का भाई का, तब भी पुलिस वाले आपकी की निकालेंगे, जेकेपीए पुलिस का ये बदतर से बदतरीन होने हो रहा है दिन ब दिन। लेकिन इतनी बात कहता चुके जितने भी कांस्टेबल हैं उनमें ये सब हो रहा है, जो इनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनमें बहुत रेयर केस में ये सब देखने को मिलता है, एजुकेटेड पर्सन होते हैं उन्हें ये सब करना मुनासिब नहीं। मैंने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि भाई अब वो बंदा मेरे से कैमरा छीनने वाला था, मेरा दोस्त कैमरा लेके भाग गया। तो जहाँ से ये वीडियो अपलोड हुई भाई पब्लिक में एक ऐसे बंदे को थप्पड़ मारना, जो बंदा यार बिल्कुल मतलब रोते हुए बंदे को भी हंसा दे, उस बंदे को थप्पड़ मारना और उस बंदे ने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि आपको वो सब दिखाया, कोई दिखा था भाई, आज यूट्यूबर वो वीडियो डिलीट कर देते हैं खुद की बेइज्जती समझ के, उस बंदे ने ये इतना अच्छा स्टेप लिया कि उसने ये वीडियो आके हमारे सामने रखी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रक्षित भाई के हम साथ हैं, सोशल मीडिया पे इंसाफ नहीं मिलने वाला भाई, अंडर आईपीसी सेक्शन 504 के रिगार्डिंग आप जाओ और जाके केस फाइल करो, हम सब आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। बट मुझे इस वीडियो पे आके कोई ये मत बोले कि आज तू रक्षित शर्मा की वजह से व्यूज़ ले रहा है, भाई मैं फिर कहता हूँ कि मैं हक और सच के साथ हूँ और वो सब कह के अगर मुझे व्यूज़ मिलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वहाँ पे देखें कि रक्षित शर्मा ने ये भी कहा कि अब वो पुलिस वाला मुझे बोल रहा है कि अगर तूने वीडियो डाली तो मैं तुझे मरवा दूंगा, भाई इसके खिलाफ भी केस क्यों नहीं लग रहा, कब तक आप सब ने बर्दाश्त कर रहे हैं, मोटो व्लॉगर्स जितने भी हैं जम्मू में वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, आए दिन कभी न्यूज़ वाले उठ के कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, पुलिस वाले उठ के उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं, बाइकें तोड़ना शुरू हो जाते हैं, भाई यकता हो जाओ एक हो जाओ तो इंसाफ मिलेगा, अदरवाइज एक दूसरे के खिलाफ चलते रहोगे तो तब तक छितर ही खाओगे जूते ही खाओगे और चंटे ही खाओगे। मेरा बस इतना ही कहना है भाई कि एक हो जाओ, एक होकर चलोगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करवाओ, जो भी पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, रूड बिहेवियर वाला है, अपने एटीट्यूड लेवल में आकर कुछ कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम सब आपके साथ हैं, हम सब यूट्यूबर्स मिलकर ये सब कर सकते हैं लीगली, यहाँ पे सोशल मीडिया पे इंसाफ नहीं मिलने वाला। तो भाई एट लास्ट अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, भाई अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है, अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो जल्दी से आपको अपडेट मिलती रहेगी कि मैंने आज कौन सी वीडियो अपलोड की है। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं आप सब पे छोड़ता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक किसको कवर करूँ वो सब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। लव यू ऑल, बाय बाय।